देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज, मैं प्रिया वर्मा। आप जान रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव चल रहा है, इसी बीच में सीता साहू जो है निवर्तमान में और फिर प्रत्याशी इस बार भी खड़ी हुई हैं। क्या बदलाव होगा, क्या विकास होगा, ये आने वाला समय बताएगा कि जीत किसकी होती है। इस वक्त अभी हम मौजूद है गायघाट के सिविल कोर्ट के पास और सीता साहू जी लगातार कैंपेन कर रही है, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी समस्याओं को, जो भी समस्याएं हैं जनता के, वो सीता साहू से बोल रहे हैं कि आप जीत के आइए, हम आपको मौका देंगे, आप जीत के आइए और विकास कीजिए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि मैम जो जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है लोगों को, आने वाले समय में क्या बदलाव होना चाहिए हमारे पटना में, क्या कहना चाहेंगे सर? सीता साहू का विकास पिछले 5 वर्षों में जो उन्होंने किया है वो बोल रहा है और दिख रहा है। गंगा पथ का सौंदर्यीकरण हो या पानी का समस्या हो या हमारे जो जिन गलियां और नलियां थी उसका निर्माण हो या सड़कों का निर्माण हो, राशन कार्ड का सफलतापूर्वक वितरण गरीबों के झोपड़ी तक पहुंचाना, ये सब ऐसे काम है जिसको कि सीता साहू ने बखूबी निभाया है। आगे पटना अगर फिर मौका मिलता है इनको तो पटना के सौंदर्यीकरण में ये अपना योगदान दे के पटना को 4 चांद लगा देंगे। और चलिए हम कुछ भी लोगों से बातें करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं विकास को लेकर, क्या बदलाव होना चाहिए पटना में, क्या कहना चाहेंगे। सीता साहू जी वर्तमान में भी है और घूम रही है, अभी लगातार कैंपेन करना चाह रही है। पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू एक तरह से घोषित हो चुकी हैं। पूरा पटना नगर निगम एरिया सीता साहू के काम से खुश है और आज तक पटना के अंदर पार्क नहीं था, पेयजल की व्यवस्था नहीं था, नाली और गली समाप्त हो चुका था जिसको सीता साहू ने बखूबी निभाया। सीता साहू घर घर की महिला है और घर घर के लोग उनको चाहते हैं, चाहे महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो, युवा वर्ग हो, सभी लोग के हृदय में सीता साहू हैं और सीता साहू जीतने जा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे, पटना में कैसा बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो अपनी ये इस बार जो देखा जाए तो पहले के माध्यम से देखा जाए तो जो भी मशीने आए अत्याधुनिक, जो भी सफाई वगैरह का जो पहले दिखती नहीं थी जनता की, जो मशीन से सफाई हो रहा है, झाड़ू पड़ रहा है और फॉगिंग हो और लाइट की व्यवस्था, वो पहले भी थी और आने वाले समय में जब चीज सीता साहू जी जीत कर आएंगी तो इसके माध्यम से और भी चकाचौंध की रोशनी मिलेगी, दुनिया बल्ब से नहाएगी पटना और हमें लगता है कि इस बार भी इन्हीं की ही पूरा परिणाम है। पटना में बहुत सारी समस्याएं आ रही है, जाम भी है, रोड की भी स्थिति सही नहीं है, क्या कहना चाहेंगे सीता साहू जी फिर से आएंगे? सीता साहू जी से मीडिया भी जानती होगी, सीता साहू जी मेयर बनी उसके पहले पटना की स्थिति क्या थी, गली नाली सड़क सब गंदगी से भरी पड़ी थी, साधन का नगर निगम में भारी अभाव था। इन्होंने मेयर बनने के बाद व्यवस्था को हाईटेक किया, तरह तरह की मशीनें आई जिससे रोड की सफाई, कूड़े की उठाई, नाली की सफाई सब सुचारू रूप से होने लगी। अभी हर गली में देखिए लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सबसे बड़ी समस्या हम लोग वहाँ पानी की थी। इतना बड़ा शहर, इतना पुराना शहर होने के बावजूद हम लोग पीने के पानी के लिए तरसते थे, तो आज घर घर देखिए जाए कल से अपने आप पानी गिर रहा है, कोई मोटर की आवश्यकता नहीं है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे भी अगर जीतती है या मेयर बनती है जैसा हम लोग को लग रहा है तो बाकी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उसका निदान हम लोग को आसानी से हो जाएगी। तो अभी आप हमारे साथ जुड़े हुए थे और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हम इस वक्त सिविल कोर्ट में मौजूद हैं, लोगों से जान रहे हैं कैसा विकास होना चाहिए, पटना कैसा दिखना चाहिए। चलिए हम और भी लोग से बात करना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे पटना को लेकर? पटना को लेकर यही कहना है कि लोगों को तकलीफ हो रही है कि इतना सुंदर पटना हो कैसे गया, लोगों को विकास बुझाई नहीं रहा, इतना बढ़िया विकास है कि हर गली चौराहा साफ सुथरा, पानी की व्यवस्था घर घर में, गली गली में पानी की व्यवस्था है, कहीं भी कूड़ा पॉइंट फालतू नहीं है, लोग घर में स्वेच्छा से निकल के कूड़ा को जो है गाड़ी में डाल रहे हैं, इससे बढ़िया सुंदर पटना तो मैंने जितना मेरी उम्र है इतना दिन में हमने देखा ही नहीं, बहुत लोग मेयर को देखे लेकिन इनके जैसा काम किसी ने किया ही नहीं, इससे बढ़िया पटना और क्या हो सकता, क्लीन पटना, स्वस्थ पटना, सुंदर पटना, यही तो है। चलिए और लोग से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम किया है, पटना हमारा कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस बार वही जीत रही है। कैसा है
हमारा पटना? पटना बहुत अच्छा है पहले की अपेक्षा। अब देखिए पटना को जो एक एक मेयर लेडीज मेयर हो करके इतना काम किया है, घर घर जाकर के सब कूड़ा उठाते हैं, कूड़ा लेने वाला रिक्शा आता है, हर एक जो गली 15 वर्ष से कभी साफ नहीं हुआ था वो सब चीज हो रहा है। मेरे बाल बच्चा सब जाकर के देखते हैं कि भाई हमारा गली कितना साफ है। और दूसरा बात यह है कि पढ़ाई लिखाई के भी एजुकेशन के लिए अब नया दौर जो बन करके आएंगे वो शिक्षा के प्रति बहुत ध्यान देगी। तो अभी आप हमारे साथ जुड़े हुए थे नेशन 24 के साथ, यहाँ पे बहुत सारे पुरुष मौजूद थे, हम उनसे बात भी किए, जाने भी कि हमारा पटना कैसा होना चाहिए। किन्हीं किन्हीं लोग का जो है कमेंट था कि हमारा पटना बहुत ही अच्छा है, इससे आप क्या समझते हैं हमें जरूर बताएं। और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े थे, आपको बता दें कि सीता साहू जी लगातार कैंपेन कर रही है, लोगों के बीच जा रही है और घूम रही है, एक बार फिर से मौका मांग रही है कि जो हमारी कमियां रह गई है हम उसे फिर से दूर करेंगे। और इस वक्त सीता साहू जी सिविल कोर्ट में मौजूद हैं, सभी को पैर लग रहे हैं कि हमें मौका दें, हम इस बार विकास करेंगे और जीत के आएंगे तो आपको बदलाव दिखने को मिलेगा। इसी के साथ आप बने रहे, मैं प्रिया वर्मा, नमस्कार।